ओके तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि स्क्रूटनी करने पर मार्क्स कम होगा या नहीं। तो गाइस मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मार्क्स कम होगा। जी हाँ, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मार्क्स कैसे कम हो सकता है आप लोगों का। जो भी मैं बताने वाला हूँ पूरा प्रैक्टिकल आप लोगों को करके दिखाऊंगा, कुछ भी इसमें छिपाने वाली बात नहीं है कि जो है मैं वीडियो पे व्यूज पाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आप लोग इस कंफ्यूजन से दूर रहिए कि ये व्यूज पाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। आप लोगों का ही ये कमेंट आ रहा है कि सर स्क्रूटनी करने पे क्या मार्क्स कम होगा या नहीं होगा या मार्क्स बढ़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लियर करेंगे कि टोटल मार्क्स 100, मान लीजिए कि 100 का आप लोगों ने एग्जाम दे के आया है, ठीक है, उसमें मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आया 94 एज एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी को हम डिटेल्स में आपको समझाएंगे कि ये कैसे होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो मार्क्स था वो था 10, जिसमें आपको दिया गया 8, ठीक है। दूसरे पे था 20, जिसमें मिला 18। तीसरे पे था 20, फिर उस पर मिला आपको 20 में 20। चौथे पे था 20, इसमें मिला 20 में 20। पांचवें पे था 30, इसमें मिला 28, हो गया 94। अब गाइज यहाँ पे आप मान लीजिए कि एज ए एग्जाम्पल इंटरमीडिएट में है और आपने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर दिया साइंस से, अगर आपका स्ट्रीम है साइंस स्ट्रीम है, आपने मान लीजिए कि साइंस में केमिस्ट्री के लिए जो है आपने कर दिया यहाँ पे जो है स्क्रूटनी कि हमें 94 में सेटिस्फैक्शन नहीं है, हमारा इससे प्लस होना चाहिए, मान लीजिए 94 की जगह 96। ये एज एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपना जो भी मार्क्स आया हो उसको देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो कॉपी रीचेक होगा, आपने जो 120 रुपया दिया है केमिस्ट्री के क्वेश्चन को चेक करने के लिए, इसमें चेक क्या होता है ये जानिए। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ब्लू टिक लगा हुआ है, इस पे टिक लगा हुआ है, यहाँ पे जो है नंबर को घेरा गया हुआ है, मतलब कि ये क्वेश्चन जो पहला था इसका जो टीचर ने चेक किया 8 नंबर, ये आपका रीचेक नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है 20 नंबर का, इसमें आपको 18 दिया गया, ये जो है 18 जो दिया गया ना ये रैंडम दिया गया है, मतलब के टीचर ने इसको सही से चेक नहीं किया, रैंडम नंबर आपको दे दिया। अब गाइस यही चीज आपको समझ आए, आप जो आप अपना स्क्रूटनी अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्क्रूटनी में आपने ये दूसरा नंबर पे जो है आपका रैंडम है 18 नंबर, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जो है चेक किया जाएगा आपका। अब मान लीजिए कि आपका 18 नंबर पहले से आया हुआ है, ठीक है, या कोई और भी नंबर होगा उससे कम होगा ज्यादा होगा, ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे यहाँ पे ना टिक लगा हुआ है, ना यहाँ पे मार्क्स को घेरा गया है, ना आगे घेरा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए आप कि टीचर ये जो दूसरे नंबर वाला है ये क्वेश्चन को चेक करेंगे, क्वेश्चन का आंसर जो आपने दिया है 20 नंबर का इसको चेक करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि क्या ये रैंडम नंबर जो टीचर ने दिया था आपको 18, क्या ये सही है या फिर गलत है। अगर मान लीजिए कि सही है तो ठीक है 18 ही रहेगा, मान लीजिए कि अगर 18 में आपका 15 ही होगा तो ये 18 से घट के यहाँ पे 15 कर दिया जाएगा, मतलब -3 नंबर आपका कम हो जाएगा। ये समझ गए आप लोग रैंडम है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीन पे जैसा कि देख रहे हैं टिक लगा हुआ है, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, गोल किया हुआ है और 20 नंबर है, तो मतलब इसको चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये 2 नंबर का चेक किया जाएगा जो कि मैंने बताया आपको 18 है, अगर मान लीजिए कि 20 में अगर आपका 20 होगा तो यहाँ पे 15 की जगह 20 दिया जाएगा, 18 को हटा दिया जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो आपका जो है फिर यहाँ पे +2 हो जाएगा, ओके, यहाँ तक आप लोग क्लियर होइएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तीसरे नंबर पे आइए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो है चेक किया हुआ है, मतलब कि 20 में 20 आपका ठीक है, इसको चेक नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे चौथा देखिए फिर वैसे ही है, मतलब कि ये जो 20 नंबर दिया गया है ये रैंडम में है, मतलब कि टीचर ने सीधा नंबर देखा और मार दिया 20 में 20, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को रीचेक किया जाएगा, जो ये टिक नहीं लगा हुआ है इसके आगे, ठीक है, यहाँ पे घेरा किया हुआ बट टिक यहाँ पे नहीं लगा हुआ क्योंकि ये चेक नहीं किया गया है। बाकी 5 में 3 क्वेश्चन चेक किया गया है जो कि 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे है और 5 नंबर पे, ये तीनों चेक किया गया है। 2 नंबर पे जो क्वेश्चन था आंसर था जो भी है वो आपका चेक नहीं किया गया था, तो इसको चेक किया जाएगा। बाकी जो 5वें नंबर पे, तीसरे नंबर पे और पहले नंबर पे है इसको चेक नहीं किया जाएगा, जो है वही रहेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे चौथे नंबर पे आ जाइए, 20 नंबर है रैंडम दिया गया है, इसको चेक किया जाएगा। अब 20 नंबर में आपने जो आंसर दिया है उसमें अगर 20 में 20 सही है तो फिर आपका 20 ही रहेगा, ठीक है। अगर 20 में आपका मान लीजिए कि 10 ही नंबर आएगा तो भाई साहब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, आपको मिलेगा 10 नंबर। तो इस तरीके से आपका नंबर घट भी सकता है। आपने अगर स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया है तो आप हमारे पहले वाले वीडियोस को जाकर चेक कीजिए, जिसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हुए कि सर हमारा जो स्क्रूटनी करने के बाद जो है नंबर घट गया है, उसका रीजन यही होता है।